इसने पैकिंग करा इधर। अभी कौन आ रहे हैं वहाँ? दीपांग सर आ रहे होंगे। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, जैसे हम सीज़न की बात करेंगे तो पहले स्ट्रॉबेरी यहाँ पे सबसे तैयार होता है, तो उसके बाद ही स्ट्रॉबेरी के बाद ही 10-15 दिन बाद ही यहाँ पे जो एक पेरिशेबल क्रॉप चेरी तैयार होता है, रेडी टू हार्वेस्ट और मार्केट में पहुंच जाता है। जहाँ तक हम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, हमारे पास यहाँ कुछ इम्प्रूवड वैराइटीज़ है चेरीज़ की जो बाहर से आई है, जो हमने हाई डेंसिटी तर्ज पे यहाँ पे लगाई है। जैसा आपने देखा होगा बाहर फार्मर्स फील्ड में या जो हमारे अपने ऑर्चर्ड्स हैं हॉर्टिकल्चर के, वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ सिर्फ एप्पल के हाई डेंसिटी बागात लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में आएंगे और देखेंगे, यहाँ हमने हर किसी, जैसे हमारे स्टोन फ्रूट्स बहुत सारे हैं तो उसमें भी हमने हाई डेंसिटी के तर्ज पे ही बनाया है। जैसे हमने चेरी, वो भी हाई डेंसिटी पे बनाया है, पीच है हमारे पास, प्लम है हमारे पास, एप्रिकॉट है हमारे पास, और एप्पल भी और पियर भी हमारे पास है, और आलमंड भी हमारे पास है, जो हाई डेंसिटी के तर्ज पे हमने उसको उगाया है, लगाया है यहाँ पे। इस साल तो बहुत अच्छा फसल है चेरी का, मगर इस बाग में जो चेरी है ये फॉरेन चेरी है, ये लोकल चेरी नहीं है। और ये जो यहाँ के जो डिपार्टमेंट है हॉर्टिकल्चर, ये भी बहुत मेहनत करते हैं इस साल। यहाँ तसदुक साहब एक है वो ऑफिसर, बड़ा मेहनत, वो अपनी जान से भी इस बाग में पैरवी करता है। दवाई हाइडेंसिटी बाग है जोरा में, पिछले सालों में भी इसमें माल होता था, मगर जितना इस साल साफ है, क्वालिटी है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। दवाइयाँ इन्होंने अच्छी तरीके से लगाई है पहले से आज तक, जो भी हम इनको कहते हैं ऐसी कमजोरी है, ये फटोफट वो काम करते हैं। इनका हम शुक्र गुजार हैं। ज़्यादा डिप्टी डायरेक्टर मैडम जो यहाँ की है हॉर्टिकल्चर की, या डायरेक्टर साहब, उनके भी हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। मौसम ने कितना अच्छा साथ, मौसम ने हमें बहुत साथ दिया है। हो गया, बारिश भी हो गई बहुत, मगर फिर भी हमें इसमें ग्रोथ ज्यादा आया। यहाँ तो बहुत अच्छा माल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाला, यहाँ पर ये नई इटली का माल आया इस साल, इस बहुत माल हो गया, मगर पानी की वजह से एक दो साल इसको गर्मी, यहाँ पर इतना गर्मी हो गया एक दो महीने, पानी की वजह से थोड़ा बहुत इसको कम पड़ गया। बाकी तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर बहुत ये मजदूर भी इससे काम लेते हैं, जितने भी लेबर है, ठेकेदार भी है, यहाँ पर गवर्नमेंट मुलाजिम भी है, वो भी हमें कोऑपरेशन कर रहा है, साथ साथ चल रहा है, और बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात है, चूंकि पहले हम देख रहे हैं कश्मीर में आज भी मौजूद है पुराने बड़े बड़े जो दरख्त थे, उसमें माल शायद कम था, ये हाई डेंसिटी की वजह से कितना अच्छा फर्क पड़ा, पेड़ छोटे हैं लेकिन माल अच्छा निकलता है। माल तो बिल्कुल अच्छा निकला, मगर इनको तो यही है, दवाई इनको लगता है, बहुत मेहनत लगता है। ये तो गवर्नमेंट ही कर सकता है, लोकल तो कोई भी नहीं कर सकता है, लोकल की वजह से इनको होता रहता है। क्योंकि जरूरी है जो ये हाई डेंसिटी पेड़ है, हाई डेंसिटी प्लांट्स, यही लगाने चाहिए, यही लगाने चाहिए, बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट में हमें कोऑपरेशन कर रहा है इनके साथ, लोगों के साथ, दवाई भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं। اصل دي 5 انا في الكوره
تم چھو نا تے کلون ڈبل جے تھم کہیں نہ نو نفر اندبل اگر تے اس نے انجی یا پان چے وے لاکے کی سو کھٹا میٹھا لاکھ کوئی نہیں گلاس جیسے ہم کو